कल गुजरात के गेंदबाज पीठ के बल तो नहीं सोए होंगे, क्योंकि सूर्या ने एक एक को जो पेला है ना, आहा। कल का दिन पूरी तरह से मुंबई के नाम रहा। सूर्य कुमार यादव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, मेरे पास तो उसके लिए सब कम पड़ रहे हैं। तो रहन दो फिर। स्काई का हर शॉट परफेक्ट था, लेकिन ये वाला बियॉन्ड साइंस, जिसे देखने के बाद खुद सचिन तेंदुलकर भी रिएक्ट करने से नहीं रुक सके। स्काई की बैटिंग के समय नॉन स्ट्राइकर एंड का बैट्समैन और अंपायर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। स्काई ने आईपीएल की पहली सेंचुरी मारी और एमआई की तरफ से पांचवी, वो भी 9 साल बाद। इससे पहले 2014 में लैड सिमंस ने पंजाब के खिलाफ सेंचुरी मारी थी। जहां आईपीएल के पहले पांचों में सिर्फ 66 रन बनाए थे, वहीं लास्ट 7 मैचों में 413 रन जोड़ दिए हैं। और इस बार भी एमआई के जीत में स्काई का पूरा हाथ था, लेकिन जीटी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की शुरुआत काफी बढ़िया रही, रोहित शर्मा और ईशान किशन ने 6 ओवर में 61 रन जोड़ दिए, लेकिन 7वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा और 5वीं गेंद पर ईशान किशन राशिद खान का शिकार बन गए। इसके बाद स्काई ने गर्दा उड़ा दिया, 49 गेंद में 103 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 6 छक्के शामिल थे। इसके अलावा निहाल वडेरा ने 15 और विशु विनोद ने 30 रन बनाए और एमआई एक बार फिर से 200 प्लस यानी 218 रन बनाने में कामयाब रही। जवाब में गुजरात की टीम दबाव में दिखी, 200 प्लस का प्रेशर उनसे सहन नहीं हुआ, मात्र 55 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। कोई भी बल्लेबाज कुछ बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर सका। डेविड मिलर ने 26 में 41 रन बनाए, लेकिन जिसने सबको चौंका दिया वो नाम है राशिद खान। राशिद खान ने 8वें नंबर पर आते हुए टीम की नैया को बचाने की पूरी कोशिश की, 32 गेंद में 79 रन बनाए, जिसमें 3 चौके लेकिन 10 छक्के शामिल थे। एक बार के लिए तो राशिद खान ने एमआई के गेंदबाजों को हिला दिया था। यही नहीं, राशिद खान ने 4 विकेट भी लिए थे। अगर थोड़ा सा ऊपर आ जाते राशिद खान तो मुंबई की हार निश्चित थी। खैर, जीटी 20 ओवर में 191 रन ही बना पाई और 27 रन से मैच हार गई। प्लेयर ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव को मिला और इस जीत के साथ मुंबई पॉइंट टेबल में 3rd नंबर पर आ गई है। आज हैदराबाद और लखनऊ के बीच मैच होने वाला है। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट करके बताओ, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए।